सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को, और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। यूपी एसटीएफ ने मेरठ में गुरुवार को गैंगस्टर अनिल दुजाना को एनकाउंटर में मार गिराया। दुजाना नोएडा के बादलपुर का रहने वाला था, 3 साल से अयोध्या जेल में बंद था। कुछ समय पहले ही जमानत पर छूटा था, इसके बाद से फरार चल रहा था। दुजाना के खिलाफ 18 मर्डर समेत 62 से ज्यादा केस दर्ज। वह गिरोह बनाकर हत्या और लूट की वारदात करता था। यूपी पुलिस एसटीएफ इससे पहले 183 एनकाउंटर कर चुकी है, यह 184 एनकाउंटर था। पश्चिम यूपी के अलावा दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा में इसका आतंक था। 2011 में नोएडा के एक मामले में उसे 3 साल की सजा सुनाई गई थी। उस पर बुलंदशहर पुलिस ने 22,000 और नोएडा पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा था। पुराने केस में पेश नहीं होने से दुजाना के खिलाफ अदालत से गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। दुजाना की सुंदर भांटी गैंग से अदावत थी। दुजाना पर 2002 में गाजियाबाद में हत्या का केस दर्ज हुआ था। उससे सुंदर भाटी पर AK-47 राइफल से हमला किया था। तब से यह पश्चिमी यूपी में चर्चा में आ गया था। दुजाना ने 2019 में मेरठ कोर्ट में सगाई की। जेल से बाहर आते ही दुजाना ने जयचंद प्रधान हत्याकांड में उसकी पत्नी और गवाह संगीता को धमकी दी थी। इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ पिछले सप्ताह 2 मुकदमे दर्ज किए थे। नोएडा पुलिस और यूपी एसटीएफ अनिल दुजाना की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी। पिछले दिनों 7 टीमों ने 20 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की थी, लेकिन दुजाना हाथ नहीं लगा। अनिल दुजाना के जेल से बाहर आने से गवाहों में डर। क्राइम ब्रांच का दावा है कि दुजाना मंडावली के एक बिजनेसमैन की हत्या के इरादे से घूम रहा था। दुजाना गांव काफी कुख्यात सुंदर नागर उर्फ सुंदर डाकू के नाम से जाना जाता था। 70-80 के दशक में सुंदर का दिल्ली NCR में खौफ था। उसने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक को जान से मारने की धमकी दी थी। अनिल नागर उर्फ अनिल दुजाना इसी दुजाना गांव का रहने वाला था। उसके खिलाफ पहला मुकदमा 2002 में गाजियाबाद के कवि नगर थाने में हरवीर पहलवान की हत्या का दर्ज किया गया था। खबरी चौखट की रिपोर्ट।